वरना इनको ऐसे गले ऐसे भी लगा सकते हो, स्विच को भी घुमा जा सकते। क्या हमें करना है वो किस हिसाब से करना है? और मैं जहां तक मेरा सवाल है, मैं क्या करता हूँ, प्लग नीचे ही रखता हूँ, क्योंकि जो बोर्ड है वो सामने करके काम करता है, पीछे से काम करना है तो आगे ऊपर नीचे। लेकिन ज्यादातर हमें सामने रख के काम करते हैं, वह इधर से आया और हम सोल्डिंग आयरन लगा या पंप लगा सामने रखे, तो प्लग में से वायर निकल के चला गया। जो प्लग ए ऐसे लगाते हैं तो क्या है कि जब प्लगकिन का टॉप ऊपर डालोगे, प्लगकिन की प्लगकिन का जो टॉप डालोगे ऊपर, तो जो वायर निकलता है वो वायर स्विच के ऊपर से जाए तो कुछ ऐसे भी होगा तो बंद करना है तो डर लगेगा, तो ऐसे तो डर लगने वाली बात ही नहीं है, पीछे से निकल गया ऊपर से बंद कर दिया, सेफ्टी भी आ गई। अभी हमें इनमें चार प्लग और चार स्विच को फिट करना है। मैं तो फिट कर लूंगा, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि आप खुद प्लग और स्विच को लगाओ, कैसे लगाना है वो आपको दिखे, वो क्या कुछ हमें हमें स्किल दिखानी है वो भी जरूरी। समझ लो आप गर्मी चाहती है, मेरे हिसाब से गर्मी से ज्यादा लड़की है, इसलिए लड़के को रेफरेंस में रखते हुए बताता हूँ। समझ लो आपके घर में आया, आप मेरे को साहब आया है या चाचा आया है, चलो चाय लगा और उससे मेरे चाय पिलाने के लिए चली चली चाय पिलाने के मुंह में आ गए और चटनी को रख दो या पानी डाल दिया, बाद में सबको जल्दी चाय पिलाने पानी बनाए तो हाथ से लगाने जाओगे तो क्या होगा, आप जल जाए। तो हमें क्या है उनको पकड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, सरसी जैसे यूज करते हैं, कैसे तो वहां क्या यूज करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, कैसे करना, तो ऐसे जैसे लगाओ जाओगे तो हाथ जल जाए, चाय भी मुझे गिर जाए, तो मैं देखता हूँ आप कैसे, एक बार दिखाओ कि पहला बार अपनी अक्ल से लगाओ। अब सबको इंग्लैंड में छोड़ना नहीं है, समझ आई बात। देखो तो ये है, ये पूरा स्कूल निकाल लो, ये जो स्कूल निकालो तो ये मेरा क्या है मतलब फैक्ट्री नहीं जैसा नहीं, मशीन पे बना हुई चीज नहीं, इसलिए ये जो स्क्रू है वो भी आगे पीछे हो सकता है। तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी कि उनको मार्किंग कर देना चाहिए कि ऊपर वाला और नीचे वाला, समझ लो कि इधर ऐसे कुछ मार्किंग कर, चारो स्क्रू निकालो, बाद में ऐसे से घुमाते रहोगे स्क्रू बैठे हैं। चार चार स्विच लगाने से के टॉर्च स्विच एक इंडिकेटर के ट्रांस स्विच एक इंडिकेटर टॉर्च स्विच इंडिकेटर एक प्लग लेफ्ट बन जाएगी कंप्यूटर मॉनिटर पर, बराबर। जो ये है हमें इनमें इस चार को प्लग लगाना ही, बाद में इधर बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है इनके लिए इंडिकेटर लगाना, तो इनके लिए इंडिकेटर भी, तो इंडिकेटर भी कैसे लगाना है ये भी एक समझो फैन या लैंप या ऐसा ही कुछ है, ऐसा समझना। देखो तो सब में दो वायर रहता है, एक में से लाइव वायर जाएगा दूसरे में से निकल तो जितनी बार आएगा, तो पहले वाला इंडिकेटर लगा तो नहीं इंडिकेटर ऐसे भी लग सकता है ऐसे भी लग सकता है, तो कैसा लगा उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ होगा ना,
तो हमें सीधा पढ़ना चाहिए, ऐसे उल्टा नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये इनमें भी और ये स्विच में भी, स्विच में भी ये ऐसा। अभी ये स्विच जो है, ये दो वायर, उनमें क्या होता है, जब स्विच ऑन करोगी या ऑफ करोगी तो देखो ये मल्टीमीटर है, इनमें ये जो दो वायर लगाता हूँ दोनों को एक दूसरे को कनेक्ट करता हूँ शॉर्ट, उनको शॉर्ट बोलते हैं। तो कुछ आवाज आता है, देखो आता है। तो ये स्विच लगाने से ऐसा होता है, देखो मतलब जब ये दो वायर ज्वाइंट है तब ये आवाज आएगा, ये वायर स्विच बंद कर दिया, करंट जानेगा बोलो, करंट आया तो करंट आया, ठीक है। इनमें क्या होता है, ये दो वायर स्विच के लगाने से एक कॉन्टेक्ट बनता है या छूटता है, मेक एंड ब्रेक होता है, ठीक है। ओपन स्विच भी दिखा सकता हूँ लेकिन अभी मैं लाना भूल गया, मैंने निकाला भी था लेकिन आज भी याद नहीं आया। जितना जो चीज लगानी है उतना ही स्क्रू बाहर निकालो, फिर एक ही जगह पे रखो, बाद में स्क्रू मिलेगा ना स्क्रू कम पड़ेगा, गुम हो जाएगा। अभी इनको इतना कसना नहीं है कि टूट जाए, हाथ से ही घुमा लो, नहीं तो वरना मैंने जो चाय की बात बताई ना वैसे ऐसे करके लगाना शुरू कर दे तो टूट जाए।